वहीं अंबेडकर नगर के माफिया डॉन खान मुबारक को सुल्तानपुर दिवाली परिसर में पेश किया गया, जहां खान मुबारक ने कहा है कि जेल में सुविधाएं मिलती हैं तो मैं खरीदता हूं। खरीदने वालों पर कार्रवाई की जा रही है जबकि बेचने वालों को छोड़ा जा रहा है। खान मुबारक ने जेल प्रशासन पर साफ आरोप लगाए हैं। वो हमारा पैसे का लेन देन था, नोटबंदी के दौरान मैंने उनको 20 लाख रुपए दिए थे, 14 लाख रुपए उन्होंने वापस किए, 6 लाख रुपए मैंने मांगने के लिए जब भेजे अपने दोस्तों को, तो उन्होंने जो है उल्टा रंगदारी का मुकदमा लिखवा दिया। उनसे हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है, मैंने उनकी मदद की, अब उन्होंने आज जो है ऐसा कर दिया। राजनीतिक दबाव में कुछ विरोधी जो हमारे हैं उनको प्रेशर में लेकर ऐसा करवा रहे हैं। जेल में सुविधाएं बिकती है, मैं खरीदता हूँ। मैं खरीदने वाला गुनहगार हो गया, बेचने वाले गुनहगार क्यों नहीं? मैंने सुरक्षा मांगी, मुझे मेरा जेल ट्रांसफर किया गया। मैं सुविधा नहीं, हमेशा सुरक्षा की मांग किया हूँ।